अस्सलाम वालेकुम दी डिज़ाइनर में आपको वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कोरल ड्रा में टेक्स्ट को किसी भी शेप में किस तरह तब्दील करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक एलिप्स टूल लेकर इसे अपने वर्किंग एरिया में ड्रा कर लेता हूँ। ये मैं कुछ फॉन्ट लिखे हुए हैं, शेप मैंने लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करेंगे इस सर्कल की तरह, यानी ये सर्कल की तरह शेप लिखा हुआ आ जाए। इसके बाद व्यूअर्स मैं इसको एक और कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं ये कलर दे देता हूँ और इसको मैं ये कलर दे देता हूँ और इधर मैं एक और शेप बना लेता हूँ और इसे कंट्रोल क्यू यानी कर्व कर लेता हूँ और इसकी शेप मैंने चेंज करनी है रेक्टेंगल की, तो इसे कुछ ताकि ये स्ट्रेट उसमें ना हो, रेक्टेंगल ना हो। इसके बाद रिवर्स मैं एक और दफा भी इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कलर दे देता हूँ ये वाला। अब रिवर्स इसको मैंने सर्कल की तरह चेंज करना है, इसकी शेप को, इन फॉन्ट्स की शेप को मैंने चेंज करना है, तो इसके लिए मैं जाता हूँ इफेक्ट में और ये है एनवेलप का ऑप्शन जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल F7। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और अब रिवर्स मैं करता हूँ एड न्यू पे क्लिक और नीचे हमारे पास ये ऑप्शन है क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो हमारे पास ये एरो का निशान आ गया। जिस शेप में आपने फॉन्ट को लेके जाना है उसके अंदर जाके आप इस तरह क्लिक कर लेते हैं तो देखें ये सर्कल की तरह आपको इसने शेप दे दी। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह रोटेट करके सीधा कर देता हूँ, ये आपके सामने शेप कुछ इस तरह लिखा हुआ आ गया। अब हमने इन फॉन्ट्स को इसकी तरफ लाना है, इसकी तरह लाना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये हमारे पास क्रिएट एनवेलप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इसके अंदर जाके क्लिक करता हूँ, देखें ये भी शेप कुछ इस तरह आ गया। इसके बाद व्यूअर्स ये जो नीचे फॉन्ट लिखा हुआ है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये ऑटो पे कुछ इसमें प्रीसेट दिए हुए हैं, इसकी तरह भी आप फॉन्ट को लेके जा सकते हैं। जैसे ये मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इस तरह हो गया और इनमें से कोई भी शेप आप सेलेक्ट कर लें तो ये फॉन्ट उसी तरह तब्दील हो गया। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।